बी ऑनर्स इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर में SOL में जेनरिक इलेक्टिव में अगर आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यार इस सब्जेक्ट में हिंदी भाषा को ग्लोबली कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, और मूवीज़ की वजह से हिंदी भाषा को ग्लोबली कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, अपार्ट फ्रॉम टेलीविज़न की वजह से या फिर जो भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया की वजह से हिंदी भाषा को कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो बेसिकली यही सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। थोड़ा हम देख लेते हैं सिलेबस ब्रीफ में। यूनिट 1 में है वैश्वीकरण, हिंदी भाषा, संस्कृति और साहित्य, और हिंदी के प्रचार प्रसार में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। यूनिट 2 में बात करें हिंदी भाषा का विश्व संदर्भ, यानी कि ग्लोबली संदर्भ बताना है हिंदी भाषा का, और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी, यूनाइटेड नेशन में हिंदी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 3 है हिंदी के वैश्विक प्रसार में, अब सुन लीजिए दोनों चीज़ों को, हिंदी के वैश्विक प्रसार में हिंदी सिनेमा और गीतों की लोकप्रियता। हिंदी के वैश्विक प्रसार में यानी कि ग्लोबली जो प्रसार हो रहा है हिंदी का, उसमें हिंदी सिनेमा की और गीतों की लोकप्रियता के बारे में बताना है, और इसी में आपको हिंदी टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण ये आपको बताना है। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट, हिंदी ब्लॉग्स, ई पत्रिकाएँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वगैरह आपको पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के बारे में पढ़ना है, इसकी परिकल्पना, उद्देश्य और महत्व, ठीक है, और 21वीं सदी में हिंदी का वैश्विक चुनौतियाँ क्या हैं वो आपको पढ़ना है, ग्लोबली क्या चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस हैं 21वीं सदी में। तो ये चार यूनिट्स हमने डिस्कस करिए। इसका क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं। आप देखो 75 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहेगा, ऑफकोर्स 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। हो सकता है अभी यूनिवर्सिटी अपना वादा पूरा कर दे कि हम इंटरनल चॉइस कि हम एक्सटर्नल चॉइस देंगे, मतलब एडिशनल चॉइस देंगे, लेकिन लेट्स सी। फिलहाल आप ये समझो कि 5 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन ये क्या बोल रहे हैं कि प्रवासी साहित्यकारों ने हिंदी भाषा को वैश्विक पहचान दी है। प्रवासी साहित्यकार जो होते हैं उन्होंने हिंदी भाषा को वैश्विक पहचान दी है, ग्लोबली एक पहचान दी है हिंदी भाषा को। इस कथन के संबंध में अपने विचार लिखिए, यानी कि आप बताइए कि क्या ये सही है, सही है तो किस तरह से सही है, ठीक है, कैसे आपको लगता है कि जो प्रवासी साहित्यकार हैं उन्होंने हिंदी भाषा को ग्लोबली इम्पोर्टेंस दी है या आइडेंटिफाई किया है। या फिर और पार्ट में आपको बताना है, विश्व की बदलती परिस्थितियों में, विश्व की दुनिया की वर्ल्ड की चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की बदलती परिस्थितियों में प्रवासी साहित्य हिंदी भाषा में किस प्रकार योगदान दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको बताना है, स्पष्ट कीजिए। तो वही सब चीज़ें हैं यार, ये तो एक जैसा क्वेश्चन लग रहा है और पार्ट वाला भी, दोनों का एक ही मुझे समझ में आया जहाँ तक मुझे लगता है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं इसको इंग्लिश में समझाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ जब ये सब्जेक्ट ही हिंदी में है। चलो लेट इट बी। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा के योगदान में मॉरिशन की विशेष भूमिका है, समझ रहा हूँ, मॉरिशन होगा कोई, उनकी विशेष भूमिका रही है वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा को के योगदान में इंटरनेशनल लेवल पर। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं बताइए, कि क्या जी मॉरिशन की असल में भूमिका है हिंदी भाषा के योगदान के लिए, अगर है तो बताइए क्या भूमिका है, इसको स्पष्ट करना है 15 मार्क्स में। या फिर संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा की स्थिति आदर्श नहीं है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का सदस्य होने के बावजूद भी हिंदी भाषा वहाँ पर उतनी आदर्श नहीं है। इस कथन के आलोक में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की स्थिति पर विचार डालिए, यानी कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप हिंदी लैंग्वेज की संयुक्त राष्ट्र में क्या स्थिति है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, इंटरनल चॉइस दोनों में है। नंबर 3, क्या हिंदी सिनेमा हिंदी भाषा को वैश्विक बनाने में योगदान दे रहा है, स्पष्ट कीजिए। हिंदी सिनेमा अभी जो आप पढ़ के आए थे यूनिट 3 में कि हिंदी प्रसार में हिंदी सिनेमा की लोकप्रियता वगैरह, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है कि क्या आपको लगता है कि यार हिंदी सिनेमा की वजह से हिंदी भाषा को वैश्विक बनाने में योगदान दे रहा है, स्पष्ट कीजिए। या फिर हिंदी सिनेमा विश्व के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को विकास देने का विशिष्ट माध्यम है, इस कथन की समीक्षा कीजिए, समझ रहे हैं कि हिंदी सिनेमा जो है। अब देखिए दोनों क्वेश्चन आपको एक जैसे लगेंगे लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पहले क्वेश्चन में तो हिंदी सिनेमा से ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि यार हिंदी सिनेमा की वजह से हिंदी भाषा को क्या महत्वपूर्णता मिली, क्या उसको इम्पोर्टेंस मिली।
दूसरे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यार हिंदी सिनेमा विश्व में विश्व के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक, यानी कि लाइक इंडिया है, इंडिया के साथ जैसे यूएसए है, तो सांस्कृतिक क्या इसमें संबंध बने। ठीक है, तो थोड़ा हिंदी भाषा से अलग क्वेश्चन है, तो थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा अटेम्प्ट करने से पहले। तो हिंदी सिनेमा विश्व के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध को विकास देने का विशिष्ट माध्यम है। ठीक है, इस कथन के बारे में आपको बताना है, समीक्षा कीजिए इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन वाला है ये। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों को हिंदी भाषा के विकास में क्या भूमिका है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों की हिंदी भाषा के विकास में क्या भूमिका है? जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन होते हैं उसकी क्या भूमिका रही है हिंदी भाषा के विकास में, ग्रोथ में? या फिर आपको करना है 21वीं सदी में हिंदी विश्व की चुनौतियों का सामना करते हुए प्रगति, चुनौतियों का सामना करते हुए प्रगति पर है, विचना कीजिए। यानी कि 21वीं सदी में हिंदी विश्व की चुनौतियों का सामना करते हुए प्रगति पर है, यानी कि 21st सेंचुरी है, इस सेंचुरी में जो हिंदी भाषा है हमारी वो विश्व की चुनौतियों का सामना कर रही है लेकिन प्रगति पर है, ग्रोथ पर है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन हमारा है, जिसमें से चार स्टेटमेंट हैं, जिसमें से दो आपको लिखनी है। इसमें बेसिकली दो लिखनी है आपको, 8+7 मार्क्स की है, एक 8 मार्क्स में लिख देना, एक 7 मार्क्स में लिख देना। तो एक तो मॉरिशन का गिर मिटिया साहित्य, एक तो ये है, ठीक है, यूनिट 1 में से ही है, और दंगल फिल्म का वैश्विक संदर्भ, ये मूवी वाले चैप्टर में से है, थर्ड यूनिट में से, जिसमें बोल रहा था कि हिंदी सिनेमा की इम्पोर्टेंस है ये हिंदी लैंग्वेज के प्रसार के लिए, तो यूनिट 3 में से हो गया। 3 पार्ट है, किसी एक प्रवासी साहित्यकार का वैश्विक संदर्भ, किसी भी एक प्रवासी साहित्यकार का वैश्विक संदर्भ बताना है आपको। 4 है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों की आवश्यकता, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों की आवश्यकता के ऊपर नोट लिखना है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग हर एक यूनिट में से इसमें क्वेश्चन आए हैं, फिर चाहे वो हिंदी सम्मेलन वाली यूनिट हो या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, दोनों में से इसमें क्वेश्चन आए हैं, तो दोनों करके जाइएगा, इंपॉर्टेंस है ये। ठीक है, बात रही यूनिट 3 की, इसमें से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि हिंदी सिनेमा की क्या इंपॉर्टेंस है हिंदी भाषा के लिए भी और संस्कृत लेवल पर जोड़ने के लिए दो अलग अलग देशों को भी, और इसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ गया कि दंगल मूवी का आपको जो भी है वो लिखना है। अब दंगल के अलावा कोई और सी मूवी भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है दंगल भी आए। ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, हो सकता है पेपर में आ जाए, ट्विटर वगैरह वाला। ठीक है, और बात रही यूनिट 1 में से, तो हिंदी साहित्यकार पर तो क्वेश्चन आया है, मॉरिशन वगैरह, और पहला क्वेश्चन ही ये सब चीज़ें था इसमें। ठीक है, हिंदी भाषा का वैश्विक संदर्भ, यूनाइटेड नेशन वाला क्वेश्चन भी आपने देख लिया, वो भी इसमें आया है। तो सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है, सारी ही करके जाइएगा यूनिट आप। ठीक है, तो यही सब है दोस्तों, 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5 ही करने हैं और सब में इंटरनल चॉइस रहेगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।